ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा बेस रेडी है। ये मैंने पहले से इसलिए बनाया क्योंकि पेस्ट होने में टाइम लगता है, आपको मैंने बता दिया है पूरा कैसे करना है, तो आप उसको ऐसे पेस्ट कर लेंगे। फिर ये, और ये मैंने पहले से ही पेटल कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दी है, और ये मैंने पहले से ही इधर बना के रख लिए हैं। अब हम इनको कैसे पेस्ट करना है मैं वो आपको भी बता देती हूँ। इसके जो हमारी ये पेटल है, इसके हम बैक साइड में इधर ये फर्स्ट कॉर्नर टू डाउन कॉर्नर, ऐसे अप कॉर्नर से डाउन कॉर्नर से एकदम सीधे लाइन में ऐसे ग्लू लगाएंगे, और एक लाइन से इसको ऐसे नीचे कॉर्नर टच करते हुए ऐसे हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एक साइड से हम इसे पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं इधर से। ये देखिए, ये मैं ऐसे पेस्ट करते जानी है अपनी पेटल्स पूरी। एकदम पास पास ये जो हमारा ऊपर वाला कॉर्नर है, फर्स्ट पेटल का जो हमारा कॉर्नर है उसी से हमें मिलाते हुए दूसरी वाली लगानी है। ऊपर नीचे हमें नहीं करना है। ऐसे ही फटाफट फटाफट इसको ऐसे लाइन पे लगाते जाएंगे, और इसके ऊपर हम ऐसे यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। देखिए ऐसे हमारा पेस्ट होते जा रहा है। एक लाइन से हमें ऊपर से एकदम एज से एज मिलाते हुए ऊपर वाली लाइन के साथ साथ हम पूरा अपना ये ऐसे पेटल्स लगाते जाएंगे। ऐसे हमें पेटल्स को ऊपर से लाइन से मिलाते हुए लगाते जाना है। इसके नीचे बेस के लिए जो हमने सर्कल लगाया है वो आप पेपर का भी लगा सकते हैं, या आप सॉफ्ट कोई कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं थोड़ा हार्ड के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेपर यूज़ किया है, आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बेस के लिए भी जो मैंने पेपर यूज़ किया है, ये यहाँ पे भी आप कार्डबोर्ड या कोई थिक सीट और या कोई और चीज़ भी आप बेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए चिल्ड्रंस, ये ऐसा आ गया है। ये हमने पूरा इसको ऐसे सर्कल में राउंड 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 करके ये पूरे पेटल्स हमने इसके ऊपर ऐसे लगा दिए हैं। अब हम इसकी अंदर की स्ट्रिप्स लगाएंगे, हैंडल लगाएंगे इसका। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे
इसी के टू, ये बेस कलर का एक स्ट्रिप और एक ये पिंक कलर का स्ट्रिप ऐसे लिया है। अब इसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे पिंक वाले को। आप चाहें तो और कलर भी ले सकते हो। ये देखिए, ये ऐसे मैंने स्ट्रिप को ऐसे लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसके अंदर इसको हम ऐसे ग्लू लगा के स्ट्रिप को, इसके हैंडल को हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए सेंटर से। हम थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ी सी बड़ी लग रही है। ये देखिए चिल्ड्रन, ये हमने ऐसे इस पे हैंडल लगा दिया है। ये हमने ऐसे इस पे ऐसे यहाँ पे हैंडल लगा दिया है। अभी ये जो हमारा हैंडल है, यहाँ पे आप इसको कोई फ्लावर, कोई स्टार, कलरफुल कुछ भी लगा के आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। ये हमारी बास्केट अभी रेडी हो गई है। और जो ये हमारे इसके यहाँ पे जो एज है, ये जो जहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे पास एक ये बीड्स हैं, मैं इसको इसके ऊपर लगा देती हूँ ऐसे। देखिए आप ऐसे, आप यहाँ पे छोटे फ्लावर या आपके पास और कुछ कलरफुल स्टार्स या हैं कुछ भी है तो आप यहाँ पे ऐसे पूरा इसको लगा के ऐसे फिल कर सकते हैं। देखिए ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल और इजी एक्टिविटी है। जैसे मैं इसको इसके यहाँ पे भी लगा देती हूँ ऐसे, ये देखिए आप ऐसे इसको भी डेकोरेट कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए, ये हमारी ऐसे डेकोरेटिव बास्केट बन गई है। इसको आप कुछ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं ऐसे, या आप इसको हैंग ऐसे लटकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बेटा, ये ऐसा दिख रहा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये कैसे बना है। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है ये, आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू चिल्ड्रंस।